Hey guys, very very good morning and welcome to my channel Indian Mom Kanchan. So guys, आज है 5th जून और आज है वट पूर्णिमा. तो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं वट पूर्णिमा की. और यहाँ पर मैं अद्विक और माही के लिए दूध गर्म कर रही थी. एक्चुअली इन्होंने दूध ला के दिया था मुझे, तो वही मैं गर्म कर रही थी क्योंकि माही और अद्विक नींद से उठ गए थे, तो इसी वजह से उन्होंने ब्रश भी कर लिया था. तो मैंने सोचा चलो इनके लिए दूध गर्म कर लेती हूँ. तो ये दूध गर्म कर लिया था और उसके बाद मैं उन दोनों के लिए दूध निकालूंगी यहाँ पे. और हाँ, आप लोगों की वट पूर्णिमा कैसी रही और आप लोगों ने फास्ट रखा कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरा तो आज फास्ट है, तो आज मेरा फास्ट दिन भर रहेगा. मतलब कोई कोई ना हमारे साइड में एक टाइम खाना खा के भी करता है, बट मैं नहीं करती हूँ एक टाइम खाना खा के. मैं सिर्फ वो क्या बोलते हैं, फास्ट का ही खाना खाती हूँ. तो जैसे कि साबुदाने की खिचड़ी हो गई या ये सारी चीज़ें, तो ऐसे ही खाती हूँ. फ्रूट्स वूट्स हो गए तो यही खाती हूँ बस. वैसे भी ना एक टाइम अगर ये साबुदाना की खिचड़ी वगैरह कुछ खाते हैं ना, तो उसके बाद फिर दूसरे टाइम में भूख भी नहीं लगती है, मन भी नहीं करता है खाने का. तो क्योंकि साबुदाने की खिचड़ी वगैरह ना, तो ये बहुत ज़्यादा हीवी कर जाती है, तो इसी वजह से दूसरे टाइम में बिल्कुल भूख नहीं लगती है, बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं करता है. बट अगर भूख थोड़ी सी लगी भी तो मैं सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, बाकी कुछ नहीं खाती हूँ. तो यहाँ पर बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि एक टाइम खाना खा के करते हैं ये वाला फास्ट, बट मैंने ना पहले से नहीं किया है, तो अभी मेरा मन नहीं करता है यार, मतलब एक टाइम खाना खा के करने का. तो आंटी वगैरह मुझे बोल रही थी कि आप, हम लोग तो एक टाइम खाना खा के करते हैं, तो और ये वाला फास्ट बोल रहे थे कि एक टाइम खाना खा के ही होता है. तो मैंने बोला नहीं यार, मैंने तो पहले से नहीं किया है तो मैं नहीं करूँगी. मैं जैसे करती आ रही हूँ पहले से, मतलब जब से शादी हुई है तब से मैं ऐसे ही मतलब निरंकार फास्ट करती आ रही हूँ. निरंकार तो नहीं बोल सकते उसे, मतलब जो फास्ट का खाना होता है वही खाती हूँ, जो हमारा सिंपल खाना है वो नहीं खाती हूँ. तो यहाँ पर मैं फ़ास्ट के लिए बना रही थी क्या बोलते हैं, साबुदाने के पराठे. तो मैं कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ. तो यहाँ पर मैंने दो आलू लिए हैं बॉईल किए हुए, उसे स्मैश कर लिया है. उसके बाद उसमें नमक डाला है, उसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है. आप चाहो तो उसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो, बट उसे बारीक चॉप करनी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा. उसके बाद मैंने यहाँ पर मूँगफली को भून लिया था, तो मूँगफली का जो है वो पाउडर बना लिया है, वो डाला है मैंने. और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, साबुदाना डाला है. साबुदाना मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, तो वही डाला है इसमें. क्योंकि रात को अगर भिगो के रखते हो ना आप साबुदाना, तो वो बहुत खिला खिला सा फूलता है, तो इसीलिए मैं ना ज़्यादातर रात को ही भिगो के रखती हूँ. जब भी फास्ट रहा या कुछ रहा तो रात को ही भिगो के रखती हूँ, फिर दूसरे दिन उसकी खिचड़ी या कुछ बना लेती हूँ, साबुदाने के वड़े वगैरह. हाँ, इसमें आप जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास हो. तो मेरा जीरा पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने जीरा पाउडर इसमें ऐड नहीं किया. और इसे अच्छे से गूँध लूँगी, मतलब जैसे आटे जैसा अच्छे से गूँध लेना है आपको इसे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में. और फिर उसके बाद ना एक पॉलिथीन लेनी है, उसको ऑयल लगाना है थोड़ा सा, और जैसे हम लोग पराठे की लोई करते हैं वैसे लोई बना लेनी है. और उसके बाद इसे हाथ से ही थोड़ा सा प्रेस करना है, हाथ से ही प्रेस करते जाना है. इसका पराठा बनाना है हमें इस तरह से. मैं इसका पराठा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये ज़्यादा हीवी हो जाए. मैं चाहती तो इसके बड़े भी बना सकती थी, बट वो डीप फ्राई करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा हीवी हो जाते, तो इसीलिए मैंने इसके पराठे बनाए. तो इसके लिए आपको ऐसे कर लेना है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा नॉनस्टिक तवे पे ऑयल लगाना है और उसको सेक लेना है, और थोड़ा सा क्रिस्पी सेकना है आपको इसे. नहीं तो अगर आप ज़्यादा ऑयल भी डाल दोगे ना, तो इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं सिकेगा ये, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कम ही ऑयल डालना है इस पर, और अच्छे से होने देना है पहले नीचे से. उसके बाद आपको उसे पलटाना है, तो ऑटोमेटिकली पलट जाएगा वो. इतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ऑटोमेटिक पलट जाएगा. तो इस तरह से मैं दूसरा भी पराठा बना लूँगी, और इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी. और इसके साथ ना आप अगर मूंगफली की चटनी बनाते हो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, अगर आप नारियल की चटनी बनाते हो तो बहुत टेस्टी लगती है वो भी, और अगर आप दही बनाते हो तो मुझे ना दही ज़्यादा पसंद है इसके साथ. तो मैं इसके साथ तड़के वाला दही बना लेती हूँ. दही बनाने के लिए सिंपल सा दही को फेंट लेना होता है, उसके बाद आपको मतलब उसमें थोड़ा सा नमक डालना होता है, जैसे काला नमक वगैरह, और फिर मिर्ची का तड़का लगाना होता है, मतलब जीरा और मिर्ची का तड़का लगाना होता है. बस हो गया हमारा दही, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और क्या बोलते हैं, तड़के वाला दही रेडी हो जाएगा इसके साथ खाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है वैसा वाला दही अगर आप इसके साथ खाते हो ना. पराठा और दही,
बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका, और आप एक बार ज़रूर बना के देखना ऐसे अगर आप नहीं बनाते हो पराठे तो, क्योंकि लेस ऑयल में बन जाते हैं। और आपको पता ही है ये जो चीज़ें हैं वो, जैसे कि आलू हो गया, साबुदाना हो गया, मूंगफली हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें हैं, तो उसमें भी आप उसे डीप फ्राई करोगे तो उससे भी ज़्यादा फैट बढ़ने वाला है, तो इसीलिए मैंने इसके पराठे ही बना लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये, अगर आपको फास्ट में कुछ बनाना है अलग सा तो आप ये वाला आइटम ट्राई कर सकते हो, तो और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आप आगे कोई फास्ट रखते हो तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो ये इस तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी अब, और एक बार एक पराठा बन गया ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इजी जाता है सारे पराठे बनाने में। उसके बाद मैंने ये मेरी पूजा की थाली निकाल दी थी, तो यहाँ पर मेरी पूजा की थाली रेडी है। तो यहाँ पर है आम और क्या है गेहूँ है, तो ये ओटी भरने के लिए रहता है। और उसके बाद ये मेरी पूजा की थाली है, तो यहाँ पर पूजा की थाली भी रेडी हो गई है। हे गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और कुछ इस तरह से मैंने आज साड़ी पहनी है, और आप ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हो। और हाँ, अभी जा रही हूँ पूजा करने, एक्चुअली शाम का टाइम है, बट सुबह नहीं हुआ मेरा पूजा करने के लिए जाना, क्योंकि क्या हुआ था कि अद्विक को अकेला छोड़ के मैं नहीं जा सकती थी और ये ड्यूटी से आए नहीं थे, तो इसी वजह से अभी जा रही हूँ पूजा करने। तो चलिए अभी जाते हैं जल्दी से और वहाँ पर जाके बात करती हूँ आपसे। तो यहाँ पर निकल चुकी थी मैं पूजा करने के लिए, और हाँ, श्रीकांत मुझे बोलने लगा था कि आप इतना लेट क्यों हुई हो, सारी लेडीज़ ने तो सुबह ही पूजा कर ली। तो मैंने उसको बोला कि यार आज दिन भर पूजा थी, तो इसकी वजह से कभी कभी होता है ना कि मुहूर्त होता है पूजा का, कि इतने इतने टाइम तक पूजा रहती है, तो आज ना दिन भर मुहूर्त था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आराम से जाती हूँ। और क्योंकि ना घर पर अद्विक और माही अकेले रहते, अगर मैं उनको घर पर छोड़ के आती यहाँ पर तो अद्विक और माही अकेले रहते, तो मैंने सोचा चलो शाम को जाती हूँ ये के बाद। और ये आ गए थे उस टाइम थोड़ी सी धूप थी, तो इसी वजह से मेरा मन ही नहीं किया धूप में आने का, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर धूप निकलने का वेट किया और उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूजा चल रही है, और किस किस के साइड में इस तरह से पूजा होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस तरह से हमारे साइड में बरगद के पेड़ को धागा बांधा जाता है और यहाँ पर इस तरह से पूजा की जाती है बरगद के पेड़ की, तो सबके साइड में ऐसे ही होता होगा आई थिंक, बट फिर भी मैं पूछ रही हूँ क्योंकि सबके साइड के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो इसीलिए मुझे भी पता चले कि आपकी साइड में किस तरह से रीति रिवाज है और किस तरह से किया जाता है। तो हमारे साइड में इस तरह से पीला और लाल धागा बांधा जाता है बरगद के पेड़ को, तो ये व्रत इसलिए किया जाता है कि यही पति हमें 7 जन्मों तक मिले, तो इसीलिए ये व्रत किया जाता है और सुहागनी ये व्रत करती है। और हाँ, इस साल ना बहुत से लेडीज़ ने घर पे ही पूजा की बरगद के पेड़ की, मतलब बरगद की डंडी जो है वो लाके वो किसी गमले में वगैरह फिट करके उसकी उसके ऊपर धागा बांधा है, तो इस तरह से उन्होंने पूजा की है। मैं भी करना चाहती थी वैसे ही पूजा, बट ना बरगद का पेड़ जो है, मतलब उसकी डंडी जो है, वो पहले दिन ही काट के लानी थी और वो मुझे लाके नहीं दी इन्होंने, और किसे मतलब मैं भी नहीं ला पाई, तो इसीलिए ना हाँ मेरी वो पूजा नहीं हो पाई घर पर। और जिस दिन वट पूर्णिमा रहती है तो उस दिन बरगद के पेड़ को जो है वो काटा नहीं जाता है, तो इसी वजह से मतलब उसकी डंडी तोड़ नहीं सकते थे, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, और यहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं था तो आराम से मेरी पूजा भी हो गई। हे गाइस, आ गई हूँ मैं पूजा करके, और एक्चुअली पूजा बहुत अच्छे से हुई। सुबह मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि 2 रीज़न थे उसके। पहला रीज़न ये था कि अद्विक को घर पे छोड़ के जा नहीं सकती थी, क्योंकि माही और अद्विक ही घर पे थे, और माही को लेके जाती तो अद्विक को कैसे छोड़ती घर पे अकेला, और उसके पापा भी नहीं थे, उसके पापा भी ड्यूटी गए थे, तो इसी वजह से सुबह नहीं गई। और सुबह और एक रीज़न था नहीं जाने का कि बहुत सारी लेडीज़ वहाँ पर रहती थी और वो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वहाँ पर नहीं गई सुबह। और फिर शाम को मतलब जाने का यही रीज़न है, शाम को मतलब इतनी भी शाम नहीं हुई है, अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है। हम लोग गए थे 4:30 बजे और अभी आ गए हैं यहाँ पर, ये पास में थोड़ा सा वहाँ पर फोटोज़ वगैरह क्लिक किए, थोड़ी देर बैठे वहाँ पर, क्योंकि बाहर काफ़ी दिनों के बाद निकली थी ना, इसी वजह से थोड़ा सा फिर लगा कि चलो बैठे हैं वहाँ पर, तो मंदिर के पास बैठे थोड़ी देर। एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पर और एक बरगद का पेड़ है, तो वहीं पे मैंने पूजा की, तो चलिए अच्छा लगा वहाँ पर जाके भी, आज बाहर गया अच्छा लगा। और हाँ, आज तन्वी रावल का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर तन्वी, आपको आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले और आप जो चाहो वो आपकी लाइफ में आपको मिल जाए। तो और गुरबानी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर गुरबानी, और आपको भी आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले डियर, और आपको भी जो चाहे वो मिल जाए आपकी लाइफ में।
चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ इसके साथ ही, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आता है तो। यहाँ पर अद्विक देखो पूरा नींद से उठा हुआ लग रहा है। चलिए फिर बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। Bye.